नमस्कार बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दी कि दरभंगा एयरपोर्ट से अब यात्री काफ़ी परेशान हो गए हैं। इससे पहले उन लोगों ने कहा कि अब यहां से यात्रा करने से अच्छा है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ जाए। देखिए, स्पाइस जेट और इंडिगो दोनों में एक जो कमी आ रही है वो है कि इतनी तेज गर्मी के बाद जब लोग प्लेन में बैठते हैं तो एसी बंद रहता है, जब टेक ऑफ करता है उस समय एसी ऑन किया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा यात्रियों में आक्रोश रहता है। लेकिन आज मुंबई जाने वाली जो फ्लाइट थी स्पाइस जेट की 10:50 में थी, लेकिन 4 घंटा विलंब की सूचना, वो भी जब यात्री पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर तब अंदर बैठने की जगह नहीं है। जब आप अंदर जाएगा तो सब पहले जो चेयर लगे हुए हैं वहाँ पंखा, 2-3 पंखे चल रहे हैं जो काफ़ी गर्म में, उसके बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। जो सिक्योरिटी चेक है वहाँ पर नहीं होता जाने की अनुमति। इसके बाद इन लोगों ने हंगामा किया और स्पाइस जेट के अधिकारियों को कहा कि बाहर आकर जवाब दीजिए। देखिए, मुंबई जाने के लिए 11,500 रुपये पे करके बहुत इमरजेंसी मीटिंग में लोग जा रहे थे, लेकिन स्पाइस जेट ने अपने फ्लाइट को 4 घंटे, जो अभी तक घोषित है 4 घंटे यानी कि 4 बजे तक का के लिए, उसे रद्द किया है, समझे रद्द किया है। हालांकि अभी वो लोग बता रहे हैं कि विलंब से चलेगी, लेकिन इन लोगों को कोई सूचना मिली है। कमतौल, जाले, मोतिहारी, अलग अलग जगह से आने वाले यात्री कितना परेशान है। देखिए राकेश की एक रिपोर्ट दरभंगा से। पहले तो क्या थे लगभग ठीक ठाक था, लेकिन आज का जो व्यवस्था है हमको नहीं लगता है दोबारा फिर दरभंगा से हम टिकट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बैठने का व्यवस्था है, इतनी गर्मी है, स्टाफ ठीक से बात नहीं करता है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। अब इस उमस भरी कहाँ जाएंगे, समझ से नहीं आ रहा है क्या करें। अंदर में बैठने के लिए नहीं कहा, कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी में मरी है, स्टाफ सब एसी में है, हम लोग पैसा दे करके गर्मी में धूप में मतलब जले, हमारे पैसे से उसको तनख्वाह दिया जा रहा है, बताइए, और बात करने के लिए तैयार नहीं है, बेहतर व्यवस्था नहीं है। अरे बेहतर हमको लगता है, हम तो दरभंगा स्टेशन यहाँ से काफी अच्छा है, दरभंगा प्लेटफॉर्म इससे काफी अच्छा है, यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट से पत्रकार सब आया है, और इतना ट्रेन भी इतना विलम्ब नहीं होता है जितना 6 घंटा बता रहा है। लोग इमरजेंसी में टिकट लेता है पैसा दे करके कि चलो भाई हम जल्दी पहुंचेंगे, टाइम टेबल से जाएंगे। फ्लाइट डिले हो गया है ऑलमोस्ट 6-6 घंटे और कोई नोटिफिकेशन नहीं था एयरलाइंस की तरफ से। हम लोग जब गए काउंटर पर तो चेक इन नहीं ले रहे गेट के अंदर, अभी बोल रहे हैं वो कि 6 घंटा लेट है। कहाँ जाना था? मुंबई जाना था। किस फ्लाइट से था? स्पाइस जेट। क्या नंबर था उसका? SG116। तो फिर अब क्या कर रहे हैं? अभी जा रहे हैं, अभी टाइम तो लॉस हो गया, वैसे घर से आ चुके हैं, अभी होटल पे स्टे करेंगे। उससे पूछे तो वो बोले कि अभी दूसरा ऑप्शन है कि अभी आपको फ्लाइट कैंसिल करके नेक्स्ट डे का दे देंगे फ्लाइट, नहीं देंगे। उससे बेनिफिट नहीं हुआ ना, टाइम तो वैसे भी लॉस हो गया। अभी कहाँ से आए थे आप? मुजफ्फरपुर से आए थे। क्या लग रहा है कि स्पाइस जेट का जो रवैया है तो रवैया तो खराब है, इनको या तो इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं तो इस टाइप का अगर सिचुएशन हो तो ऑन टाइम कस्टमर को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से निकले, नहीं तो फिर इनको बंद कर देना चाहिए एयरलाइन। डिले होने का क्या कारण बताया? डिले होने का कारण बताया कि वो कनेक्टिंग फ्लाइट है, वो अभी इंटरनेशनल ऑपरेट कर रहा है वो फ्लाइट, तो उधर से ही डिले हो गया, इसी वजह से यहाँ पे आगे बैठे हुए। और अपना मैसेज आया ना कुछ आया, अपनी गाड़ी बोल रहा है 6 घंटा फ्लाइट। अभी जो पैसेंजर जो दूर दूर से आए वो पैसेंजर कहाँ पे जाएंगे ना, अंदर मतलब केबिन के अंदर जाने जरा गर्मी में मरना पब्लिक। कम से कम आप एसी की सहूलत दो, अंदर केबिन में बैठा हो, बाद में मतलब आपको खाने पीने की अपनी सहूलत दो, जो भी है मतलब आप करो। अभी कुछ भी नहीं कर रहे, पब्लिक को मतलब बाहर गर्मी में मार रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं, स्पाइस जेट के जितने भी कर्मचारी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, खाली बोल रहे बस लेट है लेट है। कहाँ जाना था? मुंबई जाने का था। क्या है फ्लाइट नंबर? फ्लाइट नंबर 1 SZ116 है। अभी फ्लाइट का था 10:50 मुंबई जाने का, अब भी बोल रहा है 6 बजे का, मतलब 6 घंटा लेट है, तो समझिए अपना 4:50 का इतना देर। अच्छा, इस उमस भरी गर्मी क्या परेशानी हो रही है? परेशानी जब भी तो बाहर निकला हुआ ना, परेशानी अंदर जाने, केबिन के अंदर जाने नहीं दे रहे एसी के लिए, एसी में बैठने के लिए, और अंदर का जो कर्मचारी है स्पाइस जेट का बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार का जो बर्ताव है इससे क्या क्या स्पाइस जेट का मतलब, हम लोग कभी भी अब स्पाइस जेट का कभी भी हम लोग मतलब टिकट लेंगे ही नहीं स्पाइस जेट से। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मतलब मधुबनी से आए हुए हैं। क्या वे चले थे मधुबनी से? मधुबनी से मतलब सर मैं तो थोड़ा लेट भी आया था, मतलब समझे ना, मैं 8 बजे वहाँ से निकला था मैं। और कितने बजे फ्लाइट था? मैं तो थोड़ा लेट भी निकला, लेकिन कुछ जो मतलब वहाँ पे मतलब पैसेंजर हो तो मतलब सुबह से निकले हुए, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं ना भाई, हम लोग तो चलो लोकल के थोड़ा ठीक भी है, जो दूर दूर से पैसेंजर आए हुए, कोई मुतियारी से आए हुए, कोई मतलब कहीं से आए हुए, उन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है।
क्या लगता है कि 4 बजे भी फ्लाइट जा पाएगा? अब वो भी उसको कंफर्म नहीं बता रहा है वो, मैं उसको बोला भी कैंसिल है तो बताओ, तो मुझे वो बता रहे कि 2 घंटा मतलब पहले मैं आपको बताऊंगा कैंसिल है क्या है, मतलब जब तक पैसेंजर ऐसी गर्मी में मरे। आपको कोई मैसेज आया? नहीं कोई मैसेज अभी तक, मतलब कुछ लोगों को आया, हम लोग को तो मैसेज अभी तक नहीं आया है, मतलब हम लोग को संतुष्ट है नहीं यार। जो भी मतलब सोचे थे कि कभी स्पाइस जेट से जाएंगे, कभी जाने का मतलब रहा भी तो नहीं जाएंगे। कितने का टिकट बुक किए थे? 13,500 की टिकट है। कितने दिन पहले? कल बुक किया था इमरजेंसी के लिए कि मुझे मतलब 3 बजे की मीटिंग अटेंड करने का था, अब जा ही नहीं पाएंगे। कहाँ से? के लिए मोतिहारी जिला। अच्छा, फ्लाइट के लिए आए थे, हमारा फ्लाइट 10:50 का था, जब यहाँ आए तो हमको मालूम पड़ रहा है कि 4 घंटा लेट। अच्छा, समझे। फिर बोले कि हम लोग को अंदर ले लो, तो बोलता है इसका सुविधा नहीं है इधर। बहुत लोग ने भी झगड़ा किया, चिल्लम चिल्ली किया, फिर भी अंदर नहीं ले रहा है वो। बोलता है जब तक के ऊपर से आदेश नहीं आएगा जब तक नहीं आएंगे। मैनेजर को बुलाया गया, वो भी नहीं आ रहा है। किस फ्लैट से जाने थे, क्या नंबर है उसका, ध्यान पता है? स्पाइस जेट से जाने। कहाँ जाने थे? मुंबई जाना था। मुंबई, फिर मुंबई के बाद कहाँ जाते हैं? मुंबई से अपने घर पर जाते हैं। मुंबई ही घर है? नहीं, घर मुंबई नहीं है, ऑफिस है, काम धंधा है हमारा। अच्छा, वहाँ काम करने के लिए। तो फिर आप कहे क्या होगा, अब क्या करें, अब लेट हो गया तो क्या करें। उधर अंदर कोई सुनवाई नहीं है, किसी को भी बुला रहे तो आ नहीं रहे बाहर बात करने के लिए। पुलिस वाले बोलते हैं हमको क्या करना है भाई, हमारा तो ड्यूटी है, आपको जिससे लड़ना है उससे लड़िए, हम क्या कर सकते हैं, तो इस कुछ नहीं करेंगे। सुबह 6 बजे से निकला हूँ घर से, वहाँ पर 10:50 का फ्लाइट था स्पाइस जेट का। यहाँ पर आने के बाद पता चला वो 4 बजे हो गई है, वो भी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि 4 बजे जाएगी कि नहीं जाएगी, और अंदर भी जाने नहीं दे रहा है। बाकी सारे स्टाफ एसी में बैठे हुए हैं, हमने कहा कि आप भी हमारे साथ एसी बाहर आके बैठिए, कोई रेडी नहीं हो रहा है, ना किसी मैनेजर से बात करवा रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी तक नहीं दे रहे किसी को, सब बाहर बैठे हैं। आप अंदर जाके देखिए, सब एसी बैठे हुए हैं। तो अंदर जाने के बाद पता चला, फिर उन्होंने PNR का नंबर लिया और सबको मैसेज किया फ्लाइट डिले, इससे पहले कोई अपडेट नहीं दिया। कहाँ जाने? अरे बोल रहे कि आपने एजेंट से बुक किया, तो एजेंट को जाके बताइए, हमने तो आपसे बुक किया था ना, हमें क्या पता किससे बुक किया, और सबका वही हाल है। अरे यहाँ पे बैठे नहीं हो रहा, तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल के करूँगा, बैठूंगा वहाँ पे 3-4 घंटा। इस उमस भरी गर्मी में क्या परेशानी, आप देख रहे हो ना, ये 9:30 ये हालत है, तो 2 बजे क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं, 6 बजे क्या बता सकते। अच्छा, कहाँ जानी थी आपको? मुझे मुंबई जाना था। स्पाइस जेट की कैसी व्यवस्था है? बहुत घटिया है, इसके बाद कभी नहीं आऊँगा। कितने का टिकट बुक किया था आपने? 12,000। कितने दिन पहले? 2-3 दिन पहले। अर्जेंट जाना था मुझे, इसके लिए नहीं तो मैं ट्रेन से चला जाता, वैसे भी कल संडे था, कल तो पहुँच ही जाता, आज का पूरा दिन तो चला ही गया। तो क्या कुछ अर्जेंट काम से जाना था? अर्जेंट काम। कहाँ घर हुआ आपका? घर मेरा कुलपरास साइड है, मनसापुर, और मैं प्रॉपर बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा हर महीने अपडेट रहता है, आना जाना लगा हुआ है। ऐसा कभी धोखा हुआ था इससे पहले? स्पाइस जेट ने किया, धोखा खाया। हाँ, 10:50 का कभी फ्लाइट गया ही नहीं अभी तक, इनका बॉम्बे से डिपार्ट नहीं हुआ रहेगा, तो यहाँ से कैसे लेके जाएंगे? अभी आप पता कर लेना, बॉम्बे से इनका डिपार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जब तक वो फ्लाइट आएगी नहीं जाएगी नहीं, वहाँ से 12 बजे निकलेगी, यहाँ पे 3 बजे को सब पता होता है, बट कस्टमर को परेशान कर रहा है। आगे क्या हुआ? फ्लाइट 10:50 का था, अभी 4 बजे का कर दिया, 3:55 का, बिना किसी नोटिस के, किसी को कन्फर्म नहीं है, किसी को मेल भी नहीं गया, किसी को मैसेज भी नहीं गया, और वो भी कन्फर्म नहीं है कि 3:55 को जा पाएंगे भी कि नहीं जा पाएंगे, डिले कैंसिल हो जाएगा, आने जाने में खर्चा गया, एनर्जी गई, टाइम गया सर। अंदर में क्या बता रहे हैं कर्मी जो है, तो क्या बता रहे हैं स्टाफ? बाहर सबको बिठा दिया गया है, बाहर अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग को इतना बुजुर्ग लोग हैं, कैसे घर में बैठेंगे? क्या परेशानी हुई अंदर में? बहुत गर्मी है भाई, अथॉरिटी के पास कोई फैसिलिटी अंदर ही नहीं है, ना गर्मी का कुछ इलाज है, ना कुछ है, सब अंदर बैठे हुए स्टाफ वाले। अब आप क्या करेंगे? जा रहे घर, देखते हैं। कहाँ घर हुआ? मरियोज। तो क्या फिर किस से प्लेन से आपको जाना था? स्पाइस जेट। कहाँ जाना था? कैसी व्यवस्था रही स्पाइस जेट का? अरे बहुत बेकार है ना, कोई अल्टीमेशन दिया गया कि डिले हुआ है, कुछ हुआ है ना, ही उन लोग के स्टाफ कोई सीनियर तो आ ही नहीं पा रहा है बाहर, कोई सीनियर आने की बात करने कोई आ ही नहीं रहा है, ना कोई बात कर रहा है, सब अपने छोटे छोटे लोगों को बोल रहे हैं ये बोलो वो बोलो, ऐसे थोड़ी चलता है। इतना पैसा भी उन लोग का इतना ज़्यादा है, लोग 14,000 डाल के आए हैं, किसी का कनेक्टिंग फ्लाइट है दुबई का, सब बर्बाद किया है पैसा। आपका कितने का टिकट था? मेरा 11,000 का, 1 जन का। कितने जन जा रहे हैं? 2 जन जा रहे हैं।